सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या एक लीडर होने के नाते पांच सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपको एज ए लीडर करनी है, आपको अपने टीम मेंबर्स की यूनिकनेस पता करनी है। हर एक व्यक्ति यूनिक है। इस प्लेनेट पर अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन लोग रहते हैं। हर एक व्यक्ति की फिंगरप्रिंट अलग है। ओरिजिन से लेके इन्फिनिटी तक हर एक व्यक्ति यूनिक है, तो उसकी यूनिकनेस जानना वो एक लीडर का सबसे पहला काम है। अगर मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज में बताऊं तो पहले आधार फिर सुधार, वरना ये ऐसा होगा कि आप लकड़ी को घिस रहे हैं और आप सोच रहे हैं क्या वो एक तलवार बन जाएगी। लकड़ी घिसने से कभी वो तलवार नहीं बनेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है विजन एंड विजुअलाइजेशन। आप एक लीडर हैं, आप कोई वॉन्डर नहीं है। आपका एक क्लियर कट विजन होना चाहिए। लीडरशिप कोई रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू देखकर ऑर्डर करने वाली चीज नहीं है कि आप वहीं पर डिसाइड कर लेंगे। आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि कन्याकुमारी में है, उसको बनने में लगभग 6 साल लगे। उसके फाउंडर माननीय एकनाथ रानाडे जी जब किसी व्यक्ति के साथ उस रॉक को स्टार्टिंग में देखने गए, तो उस व्यक्ति ने माननीय एकनाथ रानाडे जी से पूछा कि आपको उस रॉक पर क्या दिख रहा है। तो माननीय एकनाथ रानाडे जी ने कहा कि मुझे उस पर एक भव्य मेमोरियल दिख रहा है, जो आने वाले 6 साल में उन्होंने उसको प्रैक्टिकल रूप दिया। तो एज अ लीडर आपको स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल एक क्लियर विजन होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एज ए लीडर देखनी है वो है क्या आपकी टीम में ओपन कम्युनिकेशन हो। आप एक चीज लिख लीजिए कि आपको अपनी टीम के हर एक मेंबर की बात सुननी है। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको हर एक व्यक्ति की बात माननी है, लेकिन आपको हर एक व्यक्ति का व्यू पॉइंट पता होना चाहिए एज ए लीडर। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को बोला क्या आप आई से एक सेंटेंस बनाइए। वो स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने बोला आई इज द बोलते में ही उस टीचर ने उस स्टूडेंट को वहीं पे बैठा दिया और बोला क्या आई इज द करेक्ट इंग्लिश नहीं है, इसे कोई सेंटेंस नहीं बनता है। वो स्टूडेंट कहना चाहता था आई इज द 9th वर्ड इन रोमन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस चीज से हमें स्पष्टता से समझ आता है कि आप पूरी बात सुनना कितना जरूरी है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है करना आसान करवाना मुश्किल। एक असली लीडर वही होता है जो अपने जैसे और लीडर्स प्रोड्यूस कर पाए। कुछ चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी, लेकिन जब आप वो करवाते हैं तो आपके टीममेट्स को बहुत मुश्किल लगेंगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप दूं कि आपको प्रेजेंटेशन देना बहुत आसान लगता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके टीम मेंबर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है। अभी भी जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके साथ उस प्रोसेस में, उस सिखाने की प्रोसेस में कंधे के साथ कंधे मिलाकर चलना वही एक लीडर का काम है। उनकी जीत में ही आपकी जीत है, ये आपको सुनिश्चित करना है। पांचवा पॉइंट है ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट। एज अ लीडर कभी भी क्रिटिसिज्म से मत डरिए। आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन पेड़ों पर फल लगते हैं उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं, जिन पेड़ों पर फल नहीं होते उन पर कोई पत्थर नहीं मारता। सो एज अ लीडर इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। सभी को नमस्कार।